हलोदी जिला पुलिस ने आज अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही करते हुए नाकाबंदी के दौरान 1299 कार्टन अंग्रेजी शराब जब्त की है। थानाधिकारी फलोदी रामेश्वर दयाल ने बताया कि पुलिस को मिली सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना के निर्देश पर फलोदी जिला क्षेत्र से निकल रही भारतमाला रोड पर भोजासर थाना क्षेत्र में 22 मार्च की रात्रि में गश्त के दौरान एक ट्रक को रुकने का इशारा किया, लेकिन ट्रक चालक पुलिस को देख दूर से ही ट्रक को खड़ा कर अंधेरे का फायदा उठा भाग गया। पुलिस ने जब ट्रक की तलाशी ली तो उसमें 1299 कार्टन पंजाब निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब मिली, जिसे जब्त कर लिया। जब्त की गई अवैध शराब की बाजार कीमत करीब 1 करोड़ आकी गई है। भोजासर पुलिस थाना में मामला दर्ज कर चालक की तलाश की जा रही है। वहाँ पर मुताबिक सूचना के समय रात्रि करीब 3:30 बजे के करीब तो ट्रक आया जिसको रुकवाया गया। ट्रक को रुकवाने के दौरान ट्रक का चालक पुलिस की नाकाबंदी को देख कर गाड़ी को थोड़ी दूर रोककर उसमें से उतरकर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। उसको काफ़ी तलाश किया लेकिन वो नहीं मिला। गाड़ी में जो ट्रक था उसमें हमने चेक किया, उसमें ये अवैध शराब जिस पर कार्रवाई की गई। सर थाना क्षेत्र कौन सा था? भारतमाला थाना क्षेत्र भोजासर था। वहाँ कार्रवाई की गई, भोजासर थाने पर मुकदमा दर्ज करवाया गया और उसका अनुसंधान। सर कितना माल पकड़ा गया? 1299 कार्टून है जी। शराब इसकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपये। खराब शराब पंजाब की? ये पंजाब निर्मित शराब है। हाँ गुजरात जा रही थी। आगे कहाँ जा रही थी तो मुलजिम के आने पर पता चलेगा। बाकी भारतमाला पर इधर से आ रही थी और बीकानेर वाले जो बीकानेर की तरफ से आगे जोधपुर वाला जो भी इधर रोड जा रहा है। ठीक है।